सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। शादी के पहले मेडिकल टेस्ट भी करा लिया करो, आज के जमाने में तो जरूरी है। एक लड़की का विवाह हो गया, विवाह होने के बाद पता चला कि जिससे विवाह हुआ है वो तो नपुंसक है, तो मेडिकल वगैरह हो जाएगा तो सब ठीक रहता है। आज के युग के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अपनी बेटी का विवाह करने के पहले जिस लड़के से विवाह करो पूरा, अपने खर्चे से लाखों खर्चा करती ही हो शादियों में, 10-20 हजार 5 हजार में ही हो जाएगा पूरा, सिटी स्कैन वगैरह, तो पूरी खूनों की जांच, कैंसर वैंसर तो नहीं है। नहीं तो कई बार माँ बाप किसी बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया है कि ये 2-5 साल में चला जाएगा, माँ को लगता विवाह हो जाए बेटे का शायद अच्छा हो जाए। शराबी है बहुत, एक नंबर का, माँ बाप को लगता है शादी के बाद सुधर जाएगा। हाँ, कुछ तुम जैसी मम्मी पाके सुधर गया, कुछ लुगाई पाके सुधर जाएगा। लड़की की और जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो तुम। शराबी का विवाह जिस लड़की से होगा जीवन भर रोएगी। कई बार ना शादी के पहले लोग अपने घर की सच्चाइयां नहीं बताते, लोग अपनी बीमारी हमारी भी छिपा के रखते, शादी हो जाएगी बाद में बता दे। इसलिए लड़की का भी मेडिकल होना जरूरी है और लड़के का भी मेडिकल होना, हाँ या ना? बाद में रोते बैठो उससे अच्छा पहले ही रो लो। सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार, एक बार रो लो अच्छे से, बढ़िया, फिर नहीं रोना पड़ेगा। सही, आज की जरूरत है ये या नहीं, हम कोई फिजूल बात कह रहे हैं आपसे? मैया ध्यान से सुनना मेरी माँ, तो पति रोगी होए शादी कर ली अब जैसा है, अब तो शादी के पहले मेडिकल करा लो, अब हो जाए अब फिर जैसा है वो तुम्हारा है। मेडिकल में ही निकल आएगा कि शराब आप पीता है कि नहीं, खून में ही सब पता चल जाता है आप शराबी। इसलिए लड़का कितना बड़ा शराबी है ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा, इसलिए करा लेने में भाई जीवन भर का सवाल है, लड़की का जीवन बर्बाद ना हो। आप लड़के वाले तो कहते नहीं, हमारा लड़का तो दूध का धुला है, पूरा दूध से नहाता है, कोई शराबी अराबी, बाद में पता चला दिन भर पी के नाली में पड़ा रहता। शादी के पहले ना, आज के जमाने में रिश्ते ना झूठ की इमारत पर खड़े होते हैं। आज अधिकांश, सब नहीं, हम सबकी बात नहीं, पर अधिकांश संबंध आज झूठ बोलकर बनाए जाते हैं। आप इस बात को मानते हैं या नहीं? हाँ बोलो या ना बोलो, कुछ तो बोलो मेरी माँ, के डेवोले डेवोले हम टुप्पे टाप रहेंगे। आज बहुत सारे संबंध ना झूठ बोलकर, आप तो ठीक है, पहले के जमाने में तो लड़के वाले पड़ोसी के घर से सोफा ले आते थे, लड़की वाले आए देखने तो सोफे ओफे ले आए, पड़ोसी की गाड़ी खड़ी कर ली, लड़की वालों को लगा लड़के क्या गाड़ी भी है, और बाद में पता चला कुछ नहीं, साइकिल भी नहीं, दिखाई गाड़ी। हमारे यहां तो एक लड़के के साथ ऐसा हो गया कि लड़की के 2-3 बहनें थी, तो सुंदर वाली बहन दिखा दी और बंदर जैसी लड़की से शादी कर दी, लंबा घूंघट डाल के, मंडप के नीचे तो खोल सकते नहीं है, ऐसा हुआ है। 2-3 बहनें थी, उनमें से एक सुंदर थी, तो दिखा दिया। ये आजकल मार्केट में भी यही दिखाते कुछ हैं बेचते कुछ हैं, यही मार्केटिंग है आज की। इसलिए कहावत भी तो चल रही है, जो दिखता जैसा दिखता है, जो दिखता है वही बिकता है, तो देखने के हिसाब से अच्छा देख लिया, अब खरीदने के समय पे दुल्हन जो मंडप के नीचे बैठी, अब दुल्हा बार बार देखे ऐसे, पर दिखे ही कहां लंबा घूंघट, मम्मी ने समझा के भेजा था अभी ना उठाना, पर शादी के बाद जब दुल्हा ने देखा तब वो बड़ा अपना हंस सके ना रो सके, वही वाली बात आ गई जो हमने उस दिन बताया ना, हंस पा रहा है ना ना रो पा रहा, क्या से क्या हो गए, पत्नी से बोला
क्या से क्या हो गई देखते दे, देखा तो कुछ था तुम क्या से क्या से क्या हो गई। इसलिए भैया खूब देख लो। अब फिर लेकिन वो आदमी बढ़िया था, फिर उसी के संग जीवन गुजारा, क्या करोगे। तो भाई आपके साथ धोखा ना हो किसी प्रकार से। और आज की समय पे तो देखो हर चीज विवेक से करनी चाहिए, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछिताएं, काम बिगाड़ें आपनो जग में होए हंसाएं, तो जगत में बाद में तुम्हारी हंसी होए, जग हंसाई होए और बाद में पश्चाताप करो, उसके पहले पहले ही देख सुन लो भाई, विचार से काम कर लो, जग हंसाई ना हो, ठीक है मेरी माँ। तो लड़का लड़की शादी के पहले खूब बढ़िया आनंद से मेडिकल करा लो, संस्कार चेक कर लो भाई, किसके संग उठता बैठता है, दो चार गुप्तचर लगा के लड़की के माँ बाप लड़कों को देखें कहाँ जाता किनसे बैठता, लड़की को भी लगाओ कहाँ जाती है किनसे बैठती है, और फिर शादी करो बढ़िया। लड़की चरित्रवान हो और लड़का चरित्रवान हो, और ऐसे चरित्रवानों से संतान होगी, वो दिव्य संतान होगी। समाज के कल्याण के लिए ऐसी संतानें चाहिए, ऐसे माँ बाप के संयोग से जो संतानें होंगी वो कल्याण करेंगी। अब मम्मी भी यहाँ अपने पति को छोड़ के किसी दूसरे पुरुष से संबंध रखती है, और पुरुष भी दूसरे से संबंध, ऐसे चरित्रहीनों की संतान कितनी कल्याण करेगी देश का। भाई सिंपल है, किसान भी खेत में जब बुवाई करता है ना, तो फसल बोने के पहले अच्छी से अच्छी क्वालिटी का बीज ढूंढ के लाता है, जितना अच्छा बीज बोएगा उतनी अच्छी फसल आएगी। माँ बाप का चरित्र संस्कार जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी फसल तैयार होगी, अर्थात उतने अच्छे बच्चे तैयार होंगे। आज बच्चे क्यों रास्ते भटके पड़े हैं, क्यों संस्कारहीन है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती माँ बाप की है, तुम में ही कहीं ना कहीं कोई खोट होगा, तब संतान में ये दिक्कत है, नहीं तो आम के पेड़ पे बबूल हो ही नहीं सकता। क्यों जी, आम के पेड़ पर बबूल क्या हो सकता है, हाँ मेरी माँ या ना। जैसे आम के पेड़ पर कभी बबूल नहीं हो सकता, ऐसे चरित्रवानों के घर कभी चरित्रहीन हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं माँ या बाप का कोई चरित्र बिगड़ा होगा, कभी ना कभी तुम रास्ता भटके होगे, इसलिए तुम्हारी संतान ऐसी है। प्रभाव तो पड़ेगा, डॉक्टर कहता है कई बीमारियां माँ बाप की बच्चों में जाती हैं। यदि बीमारियां चली गई बच्चे में माँ बाप की, तो तुम्हारे संस्कार क्यों नहीं जाएंगे मेरी माँ। इसलिए संस्कार बार बार हम कह रहे हैं, संस्कारों पर ध्यान दीजिए, अपने भी संस्कार सुधारिए।